गुलबर्गा शहर के निम्मदी केंद्रा में चल रहे करप्शन का स्टिंग ऑपरेशन कर शरण एडी ने गुलबर्गा हेडलाइंस के जरिए 17 नवंबर को करप्शन एक्सपोज किया था। स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो गुलबर्गा हेडलाइंस पर तेजी से वायरल होने पर निम्मदी केंद्रा के खिलाफ सिर्फ 24 घंटों में एक्शन लिया गया है। स्टिंग ऑपरेशन के जरिए यह बताया गया था निम्मदी केंद्रा में किस तरह गरीब आवाम को लूटा जा रहा है। वीडियो वायरल होने पर तहसीलदार को लेटर भेज निम्मदी केंद्रा में चल रहे करप्शन पर रोक लगाने और यहाँ काम करने वाले स्टाफ को बदलने का आदेश दिया गया है। और साथ ही निम्मदी केंद्रा के बाहर असल गवर्नमेंट फीस का बोर्ड लगाया गया है जिससे एक्स्ट्रा फीस वसूली बंद की जा सकती है। दिस वीडियो प्रेजेंट बाय मन्नूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हाईली क्वालिफाइड एंड वेल एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स टीम फॉर इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर 24/7 एट बाले हिल सर्कल रिंग रोड गुलबर्गा। मैं शरण आईटी यूथ लीडर आम आदमी पार्टी। हम लास्ट वीक नाडा कचहरी में स्टिंग ऑपरेशन किए थे करप्शन के मामले में। उधर कितना फीस है, 40 रुपये फीस, वो 40 रुपये से भी ज़्यादा फीस ले रहे थे, डायरेक्ट पैसे ले रहे थे, करप्शन कर रहे थे उधर नाड़ा कचहरी में बोल के। हम उनका वीडियो डायरेक्ट लाइव लेके स्टिंग ऑपरेशन करके लास्ट वीक गुलबर्गा हेडलाइंस यही चैनल में एक वीडियो बना के डाले थे। वो वीडियो 35,000 लोग देखे सो है। ये स्ट्रेंथ है, क्या बोले तो ये 35,000 कौन कौन वीडियो देखे ना, ये सभी करप्शन को हटाने के लिए सपोर्ट कर रहे और करना चाहते हैं, ये सभी प्रूव किए सो है। उसमें हज़ारों लाइक्स आए सो है, कई सारे कमेंट आए सो है, और उसमें मैं हेल्पलाइन नंबर दिया था। कई कंप्लेंट्स आए, उधर करप्शन चल रहा है, इधर करप्शन चल रहा बोल के। मैं आज आपके बीच में क्यों आया बोले तो, हम 17 तारीख को ये एक्सपोज किए नाड़ा कचहरी में विद इन 24 आवर्स। बोले तो ये लेटर देखिए 24 आवर्स, बोले तो 18 तारीख को डिप्टी तहसीलदार क्या लिखते हैं तहसीलदार को, बोले तो नाड़ा कचेरी कलबुर्गी कर्तव्य निर्वहिसुत्तिरुव ऑपरेटर गळन्नु बदलायिसुव कुरितु, बोले तो नाड़ा कचेरी में कौन कौन काम कर रहे ना वो सभी ऑपरेटर को उधर से शिफ्ट करने के लिए एक लेटर लिखते हैं कौन, डिप्टी तहसीलदार, तहसीलदार को। उसमें क्लियरली मेंशन किया सो है ये लोग 4-5 साल 8 साल 10 साल से काम कर रहे, पूरा सिस्टम करप्ट हुए सो है, सभी ज़्यादा पैसे ले रहे, ब्रोकर से 500-1000 रुपये लेके ब्रोकर उधर आते बनाने के लिए अर्जेंट, वो भी पैसा लेके इमीडिएटली बना के दे रहे। और क्लियरली डिप्टी तहसीलदार में लेटर में लिखे सो है कि हम, मैं डिप्टी तहसीलदार वार्न किया हूँ, फिर भी वो बच्चे नहीं सुन रहे, नहीं सुने, और ग्रेड 2 ऑफिसर भी वार्निंग दिए सो है, फिर भी नहीं सुने बोल के। ये पूरा लेटर है, आपको भी डिस्प्ले होगा ये वीडियो में। बोले तो इतना बोलने के बाद भी ऑफिसर का बात नहीं सुने, सिर्फ हमारा एक वीडियो गुलबर्गा हेडलाइंस थ्रो वीडियो क्या वायरल हुआ, 35,000 लोग आप देखे सपोर्ट किया ना, वो वीडियो का इम्पैक्ट है। आज 18 तारीख 24 घंटे में ट्रांसफर के लिए सभी शिफ्ट करने के लिए लेटर लिखे, वो कार्रवाई अंडर प्रोसेस है, अभी तहसीलदार के टेबल पे है। वो सभी ऑपरेटर्स उधर कितने भी काम कर रहे हैं ना, उनको दूसरा नाड़ा कचहरी में शिफ्ट कर रहे हैं। बोले तो आज का दिन हम गुलबर्गा में ये लास्ट 15 दिन पहले ये क्या करप्शन, हम गुलबर्गा सिटी में रुकेंगे, एक क्लीन करप्ट रहित सिस्टम बनाएंगे बोल के क्या आवाज़ दिया था ना, वो कंटिन्यू चल रहा और हम स्टॉप कर सक रहे। और उधर बोर्ड भी लगाए उन्होंने, क्या बोले तो फीस इतने 40 रुपये है, 40 रुपये दो, ज़्यादा पैसे पूछे तो उधर हेल्पलाइन नंबर लिखे, वो हेल्पलाइन नंबर को फ़ोन करो बोल के डिप्टी तहसीलदार के फ़ोन नंबर दिए हेल्पलाइन। बोले तो ये क्या हो गया, आज हम एक नया सिस्टम करने में हम स्टेप रख रहे ना, वो स्टेप सक्सेस स्टेप हो रहे डे बाई डे, और हम करप्शन रुका रहे, हम रुका के जरूर रहेंगे। ये हमारा दूसरा इलाके हुआ, पहले कॉरपोरेशन में करप्शन स्टॉप किए और आज नाड़ा कचहरी में स्टॉप किए। अभी अगले दिनों में बहुत कुछ डिपार्टमेंट है कलबुर्गी में, हम पांव रखेंगे उधर, क्लीन करेंगे। हमारे से भी पहले आप ऑफिसर और डिपार्टमेंट अलर्ट होके उधर करप्शन स्टॉप करके आप रिफॉर्म करना चाहते हैं बोले तो हम आपको हाथ जोड़ के बोलते धन्यवाद। हाँ, नहीं किए तो हम शरण आईटी और गुलबर्गा हेडलाइंस टीम हम मिल के ये कार्रवाई करेंगे, और कलबुर्गी करप्ट फ्री सिस्टम बनाने में हमारा दिल दिमाग और पूरा लगा के हम फाइट करेंगे। ये रुकने वाले लोग हम नहीं है, हम लड़ले रहेंगे कब तक बोले तो, पूरा करप्ट सिस्टम निकालने तक हम लड़ते रहेंगे। जय हिंद।